नमस्कार, मैं ममता नेगी, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। उम्मीद करते हैं कि आप घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको घरों में रहने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि चीन और WHO ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है। इस वायरस को लेकर चीन की जिम्मेदारी से पूरी दुनिया वाकिफ है। अगर समय रहते चीन ने इस वायरस के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और इस वायरस के बारे में पूरी दुनिया से छुपाया। इसके बावजूद भी G20 सम्मेलन में किसी देश ने यह हिम्मत नहीं की कि सामने जाए और इस मामले में चीन से जवाब मांगे, लेकिन इसके बावजूद भी चीन की जिम्मेदारी कम नहीं होती। लेकिन अब इस मामले में WHO की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। 2005 से WHO के पास ये अधिकार है कि अगर कोई देश अपने वहाँ फैली बीमारी को महामारी मानने से इनकार करे तो WHO उसे महामारी घोषित कर सकता है। तो फिर चीन में फैले कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने में WHO ने इतना समय क्यों लिया? WHO ने कोरोना वायरस को 11 मार्च को महामारी घोषित किया जब ये पूरी दुनिया में फैल चुका था। अगर WHO चाहता तो इसे जनवरी में ही महामारी घोषित कर सकता था, लेकिन WHO ने ऐसा नहीं किया। इंटरनेशनल मार्केट में ये खबरें आ रही हैं कि WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस के चुनाव में चीन का हाथ था। तो फिर क्या इस वायरस के मामले में चीन का साथ देकर टेड्रोस अपने एहसानों का बदला चुका रहे हैं? 31 दिसंबर 2019 को ताइवान के डॉक्टरों ने, जो कि COVID-19 पर शोध कर रहे थे, WHO को ये जानकारी दे दी थी कि ये मानव से मानव में फैलने वाला वायरस है। इसके बाद भी WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का 14 जनवरी को ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि ये मानव से मानव में फैलने वाला वायरस नहीं है। वो किस आधार पर ये कहते हैं नहीं पता। इसके बाद वो चीन जाते हैं और इस मामले में चीन को क्लीन चिट देते हैं। साथ ही कोरोना वायरस को काबू पाने के प्रयासों के लिए चीन की तारीफ भी करते हैं। यानी कि एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश और दूसरी तरफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान, और इन दोनों की मिलीभगत ने पूरी दुनिया को इतने बड़े खतरे में डाल दिया है। देखिए इस पर हमारी पूरी रिपोर्ट। चीन ने पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की सच्चाई छुपाए रखी और WHO को इस बारे में पूरी जानकारी थी। चीन की चार बातों को लेकर आलोचना हो रही है। एक तो उसने कोरोना वायरस के बारे में देर से जानकारी दी और उसने वुहान शहर की तालाबंदी देर से की, और जो तालाबंदी की वो अमानवीय थी। कहा जा रहा है कि एक साल पहले ही चीन के वायरस नाम के जर्नल में ये छापा गया था कि चीन में कोरोना वायरस जैसा एक वायरस आ सकता है। दरअसल चीन में निमोनिया के मरीज आ रहे थे और उन्हें निमोनिया की जो साधारण दवा दी जा रही थी उससे वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने इस वायरस का एक DNA टेस्ट करवाया। DNA की जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। एक अखबार ने तो यहाँ तक छापा था कि नवंबर 2019 में ही चीन में 1 से लेकर 5 तक कोरोना वायरस के रोज मामले आते थे। इसकी जानकारी 10 जनवरी 2020 को चीन के 8 डॉक्टरों ने एक वेबसाइट में भी डाली थी, लेकिन सोशल मीडिया पर चीन के लोगों ने इन डॉक्टरों का मजाक उड़ाया और चीन की सरकार ने उन्हें अपना लेख हटाने के लिए मजबूर किया। इन डॉक्टरों में चीन के एक आई सर्जन भी थे, डॉक्टर ली वेन लियांग, जिनकी बाद में कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। यानी 10 जनवरी को पूरी दुनिया को कायदे से ये पता चल जाना चाहिए था कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और ये बेहद खतरनाक है। अब देखिए इसमें WHO की भूमिका। WHO को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। WHO की तरफ से 14 जनवरी को एक ट्वीट आता है और उसमें लिखा था कि ये वायरस मानव से मानव में नहीं फैलता है, जबकि 31 दिसंबर 2020 को ही ताइवान के डॉक्टरों ने, जो कि COVID-19 पर शोध कर रहे थे, WHO को ये जानकारी दे दी थी कि ये मानव से मानव में फैलने वाला वायरस है। तो WHO ने किस आधार पर ऐसा कहा नहीं पता। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, इसके डायरेक्टर जनरल होते हैं। इस समय WHO का डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस। टेड्रोस 14 जनवरी को ट्वीट करते हैं, उसके बाद चीन जाते हैं और चीन को क्लीन चिट देकर आते हैं। डॉक्टर टेड्रोस इथोपिया के रहने वाले हैं और ये इथोपिया में स्वास्थ्य मंत्री रहा करते थे। उस समय कोलोरा को लेकर 2 वायरस फैले थे। इन वायरसों की जानकारी उस समय टेड्रोस ने पूरी दुनिया से छुपाई थी। यानी कि टेड्रोस चीजों को छुपाने के लिए माहिर माने जाते हैं। 2017 में ये डायरेक्टर जनरल बने थे
और इनके खिलाफ मैदान में उतरे थे डॉक्टर नावरो। 20 जनवरी को चीन के डॉक्टर जोंग ने कहा कि कोरोना मानव से मानव में फैलता है, और इसके अगले ही दिन चीन की सरकार को भी ये मानना पड़ा कि ये वायरस मानव से मानव में तेजी से फैलता है और बेहद खतरनाक है। और 23 जनवरी को वुहान प्रांत को चीन सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वुहान में 50 लाख लोग आ चुके थे, इनमें से कुछ लोग आ चुके थे तो कुछ लोग जा चुके थे। 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक 7 हफ्तों का समय बीत चुका था। वुहान के मेयर के अनुसार तब तक 50 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे और इनमें से ज्यादातर बाहर के थे। यहाँ पर WHO को चीन की निंदा करनी चाहिए थी, चीन की आलोचना करनी चाहिए थी, लेकिन WHO के सर्वे सर्वा टेड्रोस ने क्या किया? वो 28 जनवरी को फिर चीन गए और वहाँ उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तस्वीरें खिंचाई और कोरोना वायरस के खिलाफ चीन की लड़ाई के लिए पूरी दुनिया के सामने उनकी तारीफ की। इतना कुछ होने के बावजूद भी WHO ने इसे महामारी घोषित नहीं किया, जबकि उसके पास 2005 से ही ये अधिकार है कि वो किसी भी देश में फैली बीमारी को महामारी घोषित कर सकता है। WHO ने कोरोना वायरस को 11 मार्च को महामारी घोषित किया, तब बहुत देर हो चुकी थी। 4 फरवरी को जब भारत, यूरोप के कुछ देश और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, तो यही टेड्रोस थे जिन्होंने ये कहा था कि इस तरह की बात करके दुनिया में पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये उठता है कि WHO ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दरअसल डायरेक्टर जनरल बनने के लिए दुनिया भर के देशों के स्वास्थ्य मंत्री वोटिंग करते हैं। ऐसे में चीन के पास बहुत से वोट हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि टेड्रोस को डायरेक्टर जनरल बनाने के पीछे चीन का हाथ है। तो क्या इस वायरस में चीन का साथ देकर टेड्रोस अपने एहसानों को चुका रहे थे? ये बड़ा सवाल है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।